कोलाइडी के उदाहरण में कहाँ कहाँ आप कोलाइड को अपने जीवन में देखते हैं? आप से कोई प्रश्न पूछता है इस पाठ के हिसाब से आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? कोलाइडी बिलियन के कारण। जब यहाँ केमिस्ट्री की बात होगी तो अरे यार बदल जाओ, दुनिया बदल रही है, आप भी बदल जाइए, समझ रहे हैं? मम्मी के पास है तो मम्मी की प्रशंसा करिए, चाहने वाले के पास है तो चाहने वाले की प्रशंसा करो। और दूसरा बात आप कह सकते हैं कोहरा धुंधर बरसात, कोहरा देखते हो और मौसम तो आ ही रहा है कोहरा का धुंध बरसात, बरसात में भी इसका उपयोग होता है। खाना वाना खाते हैं ना, खाद्य सामग्री जो खाना वाना खाते हैं उसमें भी आपको मिलता है, दूध खाओ, मक्खन खाओ, अभी आपको पियर का हलवा की बात है तो वो खाओ, आइसक्रीम खाओ, सब में कोलाइडी उपस्थित होता है। रुधिर का नाम सुने हो? रुधिर हमारा खून के कसम, हमारा खून के कसम, ये कहीं कट जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी के, तनी से छिला गुल तो इन्हें पूरा हाथे को उतार दलस तब फिटकरी का प्रयोग करते हैं, छिला वाला जाता है, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो लोग फिट का होता है जानते हो, ब्लाडवा के या परत बन जाता है, जाने को स्कंदन करते हैं, अब ब्लाडवा बाहर नहीं आने, बात समझ लो। तो उसके भी प्रयोग में आपका कोलाइडी बिलियन का प्रयोग मिल जाएंगे। जो मिट्टी, मिट्टी भी आपकी आती है, समझो कि जिस मिट्टी में कोलाइडी अधिक होगा वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। छः नंबर में आप लिख सकते हैं डेल्टा बनना, डेल्टा कब बनता है मालूम है? और इधर से आया समुद्र का पानी, इधर से आया नदी का पानी, दोनों टकराए, टकराने के बाद एक आकृति बनती है, उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। याद रखना, बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है दर्श बाबू डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है कि जब समुद्र होता है समुद्र से पानी आता है, देखो समुद्र में लवण मात्रा पाया जाता है वो आता है, नदी से बालू वगैरह आते हैं, जहाँ दोनों मिलते हैं वो जाए वो संरचना बनता है त्रिभुज का, उसी क्या कहते हैं? डेल्टा। ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक आपका आज का है कोलाइडी का अनुप्रयोग, कोलाइडी का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको बता रहे। धूम्र का विद्युत अवक्षेपण में ये क्या होता है बता देता हूँ आपको। धूम्र माने धुआं, धूम्र का विद्युत, अच्छा ये बताओ जहाँ धुआं निकलता है ना साइलेंसर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे एक परत लगाया गया होता बहुत पतला, जब धुआं निकला ना धुआं वहाँ रुक जाना लिख लेना, जब धुआं निकलता है तो जो हानिकारक कणवा होता है परतवा रुक लेता है, खाली बस धुआं बाहर निकलता है, चिमनिया पर ऊपर लगा होता है इस तरीके से, हानिकारक जो कण होते हैं जब निकलते हैं तो ये रुक लेता है। देखना उस साइलेंसर के अंदर हाथवा लगा के बहुत करिए आपको दिखाई देगा, हाँ का अजाक लगाना यहाँ मत लगा, जब पापा गाड़ी चला कर रहे हैं खूब गर्म हो गया तब लगाना। कितना अच्छा सिखा रहे हैं। पिए जल का शुद्ध करना, पिए जल को शुद्ध करना, धुआं माने धुआं और अवक्षेपण, पेय जल को शुद्ध करना, औषध ऐ एंटीबायोटिक पेट गड़ता कान बचाता कपड़ाता, तो सबके लिए औषधि बनाई जाती है। चर्म शोधन में तुम लोग मान लगे खजूर निकल गई, दिनाए निकल गया, दिनाए ज्यादा निकलता है इसी में, जब मछली उछली खाई गई लकड़ी को बोरिया में तो <नहीं। laughs>
आ साबुन और या पमार्जन के शोधन में बहुत एक उपयोग भाई यार, साबुन और अपमार्जक के शोधन में। क्षमा लिख सकते हो फोटोग्राफी प्लेट और फिल्मों में। तुम लोग कभी हीरोइन बनने का सपना नहीं देखते ना? अरे उतना सुंदर है ना, इतना तुम कि अखियों से गोली मार रहे। अच्छा रबड़ उद्योग में रबड़ देखते हैं ना हम लोग, जब छोटे छोटे होंगे ना तो आपकी मम्मी दो चोटी के रबड़ से बनाती होगी। एक चोटी आपका बहनी है ना खींचती होगी, आपका भाई बहन आएंगे नहीं आते होंगे बढ़िया वही रबड़ है। औद्योगिक उत्पादन में पेंट वेंट बनाया जाता है ना, उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो